Dear students, in this video, I want to explain schema, instances and sub-schema. Because my next topic will be database architecture, means ki three schema architecture or three level architecture of database system. So first of all, I want to explain what is schemas, what is sub-schemas and instances so that you can better understand three schema architecture of database system. The first one is schema. Schema means structure. अगर आपको हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों अपने माइंड में कि स्कीमा का मतलब क्या, तो स्कीमा को आप हमेशा ध्यान रखें स्ट्रक्चर. जैसे कि आप एक स्ट्रक्चर बनाते थे सी में, तो सी में तो स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता था, लेकिन उसमें आप जो रिकॉर्ड टाइप की स्ट्रक्चर बनाते थे बिल्कुल जस्ट लाइक दैट, स्कीमा वही है. अब हम देखते हैं इसको. इट इज अ प्लान स्ट्रक्चर और द फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम ऑफ डेटाबेस, मीन्स डेटाबेस नेम, नंबर ऑफ टेबल्स, टेबल नेम एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स, फील्ड नेम, डेटा टाइप, रिलेशनशिप्स एटसेट्रा. द स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम बट द वैल्यू फॉर दिस स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम इंस्टेंस टू इंस्टेंस. तो यहाँ पर स्कीमा मतलब क्या है? स्कीमा एक स्ट्रक्चर है, एक प्लान है, एक फॉर्मुलेशन है किसी स्कीम का, जो ये बताएगा कि आपका डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, डेटाबेस में कितनी टेबल्स होंगी, टेबल्स के क्या नाम होंगे, उन टेबल्स में कितने फील्ड्स होंगे, हर एक फील्ड का क्या नाम होगा, उनके क्या डेटा टाइप होंगे और उनके बीच क्या रिलेशनशिप्स होंगी. ये सारी चीज का एक स्ट्रक्चर बना लें, एक ब्लूप्रिंट बना लें, तो दैट इज कॉल्ड स्कीमा. तो बच्चों हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं या कोई ऑनलाइन प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जब भी कभी हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो हमें ये सोचना होता है कि हम डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो हमारी एंटिटीज कितनी होंगी, हमारे डेटाबेस में वो कौन कौन सी टेबल्स होंगी जिसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, किस किस के बारे में डेटा स्टोर करेंगे, तो उनके लिए फील्ड्स क्या क्या होंगे, हर एक फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा जो उस वैल्यू के लिए फिट बैठे, जो वैल्यू उसमें स्टोर की जाएगी, और इस तरीके से जो अगर दो टेबल हमने बनाई तो उनके बीच क्या रिलेशनशिप रहेगी. क्योंकि जब भी कभी हम किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए डेटा स्टोर करते हैं तो बहुत सारी टेबल्स बनाते हैं बच्चों जो रिलेटेड होती हैं आपस में, तो उनके बीच रिलेशनशिप होती है, जाहिर सी बात है. तो अब देखेंगे कि जो ये स्कीमा है ये उस डेटाबेस के लिए रिमेन सेम, मीन्स कि डेटाबेस के लिए जो स्कीमा है वो सेम रहती है, बट द वैल्यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम इंस्टेंस टू इंस्टेंस. मीन्स कि एट ए पर्टिकुलर मोमेंट डेटाबेस की वैल्यूज कुछ और हो सकती है, एट द अनदर मोमेंट उसमें वैल्यूज चेंज हो सकती है, क्योंकि जब भी कभी हम इंसर्शन डिलीशन करेंगे तो रिकॉर्ड्स चेंज होंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर रहेगी डेटाबेस टेबल की वो हमेशा सेम रहेगी. तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है बच्चों, और एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा, जैसा कि मैं आपको स्टूडेंट का एग्जांपल लेकर चल रही हूँ जो कि आपके लिए एक अच्छे से अंडरस्टैंडेबल है, तो वही मैंने लिया है यहाँ पे कि स्कीमा डायग्राम ऑफ फी रिकॉर्ड डेटाबेस. मीन्स कि हम एक डेटाबेस बना रहे हैं जिसमें कि हम स्टूडेंट का फी रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, फीस की डिटेल रखना चाहते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स का डेटा, सारे कोर्सेज का डेटा और किस स्टूडेंट ने कब फीस सबमिट की, इसकी एक ट्रांजेक्शन फाइल बनाएंगे. इस तरीके का हमने एक डेटाबेस डिजाइन करना है. तो उसमें हमारी कितनी एंटिटीज होंगी बच्चों? एक तो स्टूडेंट ही होगा जिसमें सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स होंगे, सारे स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे. एक कोर्स होगा जिसमें सारे कोर्स के एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज होंगी और सारे कोर्स के रिकॉर्ड्स होंगे कि कितने कोर्स हैं हमारे कॉलेज के लिए बना रहे हैं या यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं, जहां के लिए भी बना रहे हैं उसमें कितने पॉसिबल कोर्सेज हैं, तो सभी कोर्सेज की डिटेल होगी. और फीस डिटेल में क्या होगा? उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप भी शो हो रही होगी कि जैसे स्टूडेंट किस कोर्स में पढ़ रहा है तो उसने फीस सबमिट की या नहीं की, किस दिन सबमिट की. अगर उसका फीस का स्टेटस यस है तो डेट ऑफ सबमिशन कब है. मान लीजिए ये हमारा करंट सिनेरियो है जिस पर हम एक स्कीमा डिजाइन करना चाहते हैं. तो हमने सोच लिया कि हमारा डेटाबेस होगा जिसका नाम रखेंगे हम फी रिकॉर्ड डेटाबेस, और इस डेटाबेस में हमारी थ्री टेबल्स होंगी या थ्री फाइल्स होंगी, एक स्टूडेंट, कोर्स और एक फी डिटेल, स्टूडेंट कोर्स एंड फी डिटेल. तो जो स्टूडेंट फाइल होगी, स्टूडेंट फाइल के अंदर स्टूडेंट टेबल होगी, उसके अंदर स्टूडेंट की सारी डिटेल्स होंगी, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एज, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर. अब यहाँ पर हमने ये भी सोचा कि इस स्टूडेंट की कौन कौन सी डिटेल हमें डालनी है और कौन कौन सी डिटेल हमें नहीं
डालनी, तो उतने ही फील्ड हमने लिए जितनी डिटेल्स हम इसमें रखना चाहते हैं। तो हर एक फील्ड का हमने नाम भी सोचा कि जैसे रोल नंबर है तो रोल नंबर हम पूरा भी ले सकते थे रोल नंबर, या केवल RN भी ले सकते थे। नेम है तो हम स्टूडेंट नेम भी पूरा नाम ले सकते थे, या STUNAME स्टू नेम ले सकते थे, या नेम मीन्स की जैसे आप वेरिएबल नेम बनाते हो उसी तरीके से हमने यहाँ पर फील्ड्स नेम डिसाइड कर लिए। अब इसी तरीके से यहाँ पे कोर्स है, तो कोर्स है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी कि हम कोर्स आईडी लेंगे, कोर्स नेम लेंगे, कोर्स की ड्यूरेशन लेंगे, नंबर ऑफ सीट्स लेंगे, फीस लेंगे, तीसरे थर्ड फाइल हम इसमें रखेंगे फी डिटेल जो इन दोनों का रिलेशनशिप शो करेगी कि किस पर्टिकुलर रोल नंबर के स्टूडेंट ने किस कोर्स आईडी में एडमिशन ले रखा है, उसकी फीस का स्टेटस क्या है, उसने फीस सबमिट की या नहीं की, और डेट ऑफ फीस सबमिशन क्या थी, किस डेट पर उसने फीस को सबमिट किया। तो इसकी जो इस तरीके से हमने एक स्ट्रक्चर बना ली, मींस कि ये सारा कुछ सोचना कि हम कौन सी डेटाबेस बनाएंगे, उसका क्या रिकॉर्ड रखेंगे, उसमें कितनी टेबल्स बनाएंगे, हर एक टेबल का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें कितने फील्ड्स होंगे, उन फील्ड्स की कैसी डेटा टाइप रखेंगे, ये सारा कुछ हमारा स्कीमा के अंदर आता है। तो अब हम इस स्कीमा को डिफाइन करेंगे। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किसी भी डेटाबेस लैंग्वेज का यूज करके, जैसे SQL जिस भी डेटाबेस लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं उसका यूज करके स्कीमा डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि हम किस तरीके से इस डेटाबेस का डिजाइन करेंगे, कि उसका ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर स्कीमा बनाई हमने, डेटाबेस का नाम क्या रखेंगे, डेटाबेस का नाम रखेंगे फी रिकॉर्ड, और तो स्टूडेंट की टाइप क्या रहेगी रिकॉर्ड, और उसमें कौन कौन से फील्ड्स होंगे, रोल नंबर जो स्ट्रिंग टाइप का लेंगे, नेम स्ट्रिंग टाइप का, एज इंटीजर होगा, फादर्स नेम एफ नेम नाम रखेंगे इसका स्ट्रिंग टाइप का, एड्रेस भी स्ट्रिंग टाइप का, और फोन नंबर भी स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पर बच्चों देखने की बात यह है कि हमें सोचना पड़ेगा पहले ही हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हम स्टूडेंट के कितने फील्ड्स लें और उन फील्ड्स की क्या क्या डेटा टाइप रखें, उनके क्या क्या नाम रखें। तो यहाँ जैसे रोल नंबर की डेटा टाइप मैंने स्ट्रिंग रखी, आप इंटीजर भी रख सकते हैं, चूंकि रोल नंबर का जनरली हम किसी कैलकुलेशन में यूज नहीं करते इसीलिए हम उसे स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं, चाहे तो हम उसको इंटीजर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें देखने में तो इंटीजर लगते हैं लेकिन हम उसको स्ट्रिंग की तरीके से यूज कर लेते हैं। तो सेकंड है हमारा कोर्स भी की भी टाइप क्या है रिकॉर्ड, मीन्स की कोर्स का भी रिकॉर्ड बनेगा, इसकी टेबल बनेगी पूरी, और इसमें कौन कौन से फील्ड्स होंगे, कोर्स आईडी जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, कोर्स नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, कोर्स ड्यूरेशन इंटीजर, नंबर ऑफ सीट्स इंटीजर, फीस जो है वो न्यूमेरिक होगा। इसके बाद फीस डिटेल, ये भी हमारी थर्ड टेबल बनेगी जिसमें हम स्टूडेंट और कोर्स की रिलेशनशिप को भी शो करेंगे कि कोई स्टूडेंट किस कोर्स में पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट की कोर्स के साथ रिलेशनशिप तो है ही। अगर कोई स्टूडेंट किसी कोर्स में एडमिशन लेगा तो वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फीस सबमिट करेगा, एडमिशन लेगा तो फीस का स्टेटस उसका क्या है, उसने सबमिट की या नहीं की, उसका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बच्चों एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर फी डिटेल जो है उसकी टाइप क्या है रिकॉर्ड, तो ये भी रोल नंबर स्ट्रिंग टाइप का होगा, कोर्स आईडी स्ट्रिंग टाइप का होगा, फीस स्टेटस करेक्टर, और जो डेट ऑफ सबमिशन है वो डेट टाइप का होगा। तो हर एक डेटाबेस लैंग्वेज हमें डेटा टाइप प्रोवाइड कराती है, उसमें हम उसका साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया है, लेकिन जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं डेटा टाइप के तरीके से तो हम स्ट्रिंग के साथ उसके नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हों इस स्ट्रिंग में ये भी डिफाइन करते हैं। जैसे स्ट्रिंग में नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हों, जैसे मान लीजिए रोल नंबर में हम 10 रखना चाहते हैं, नेम में 20 रखना चाहते हैं, एफ नेम में 30 रखना चाहते हैं, तो ये हो जाता है कि हम उस डेटा टाइप का साइज कितना रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इंटीजर या डेट कुछ ऐसा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो मेमोरी में बाइट्स हैं वो फिक्स होंगी। तो इस तरीके से बच्चों हमने स्कीमा के बारे में पढ़ा। ये स्कीमा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, जो कि ये बताता है कि आपकी डेटाबेस क्या है और उसके अंदर कितनी टेबल्स हैं, हर एक टेबल के अंदर कितने फील्ड्स हैं, हर एक फील्ड की क्या डेटा टाइप है, उसका क्या साइज है। इस तरीके से अगर हम एक ब्लूप्रिंट बनाए, एक स्ट्रक्चर बना ले, दैट इज कॉल्ड स्कीमा, और उसके बेस पर आपकी डेटाबेस आसानी से डिजाइन की जा सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सब स्कीमा। तो ये सब स्कीमा क्या होता है बच्चों, सब स्कीमा एक तरीके से जो स्कीमा होता है वो कंसेप्चुअल लेवल और
इंटरनल लेवल पर काम करता है। जो सब स्कीमा होता है वो इंडिविजुअल यूजर का व्यू होता है। मीन्स की मान लीजिए अभी हमने मैंने स्कीमा में आपको बताया कि हमने एक स्टूडेंट की इस तरीके से डिटेल स्टोर कर ली, स्टूडेंट कोर्स फीस डिटेल, लेकिन अलग अलग यूजर को अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है इसको टेबल को व्यू करने की। हो सकता है कोई स्टूडेंट की डिटेल में से केवल नेम और रोल नंबर देखना चाहे, हो सकता है कि कोई ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहे कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने फीस सबमिट की या नहीं की, किसका पर्टिकुलर किस डेट पर फीस सबमिट की, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन यूजर देख सकता है। तो अलग अलग यूजर का अलग अलग व्यू हो सकता है। तो जो हमने स्कीमा में पढ़ा कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर थी डेटाबेस की, उसमें से जो एक उसका सबसेट मतलब थोड़ा सा पोर्शन कुछ पार्ट अगर उसका कोई यूजर देख रहा है या इंडिविजुअल यूजर अलग अलग तरीके से उसको देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सब स्कीमा। तो सब स्कीमा क्या है बच्चों? सब स्कीमा इज ए प्लान फॉर द व्यू ऑफ द यूजर। जो यूजर है हमारे डेटाबेस का बच्चों, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर या फिर एंड यूजर हो सकता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, मींस कि डेटाबेस पर एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहा है, एक इंटरफेस बना रहा है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन आप यूज करते हैं। और एंड यूजर का मतलब कि जो आपकी डेटाबेस को डायरेक्ट यूज कर रहा है विदाउट एप्लीकेशन प्रोग्राम, डायरेक्ट स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या कोई भी डेटाबेस लैंग्वेज का यूज करके। तो इट डिफाइंस द पोर्शन ऑफ डेटाबेस एज सीन बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा कंटेंट विद इन द डेटाबेस। मीन्स की इसका मतलब है, सब स्कीमा का मतलब एक सबसेट ऑफ स्कीमा, मीन्स की एक पोर्शन ऑफ स्कीमा, एक पोर्शन ऑफ डेटाबेस जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामर या एंड यूजर देखना चाहता है उसके पर्टिकुलर पर्पज के लिए। सारा डेटा वो नहीं देखना चाहता, एक पर्टिकुलर पोर्शन ही डेटाबेस से डेटा का देखना चाहता है। देयरफॉर डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैन हैव डिफरेंट व्यूज ऑफ डेटा, मीन्स की डिफरेंट डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम एक तरीके से यूजर से कंसर्न है, क्योंकि यूजर ही एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करके डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है बच्चों। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं डेटा को देखने के इंडिविजुअल यूजर के, और वो एक इंडिविजुअल यूजर कैन चेंज देयर रेस्पेक्टिव सब स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग सब स्कीमा व्यूज ऑफ अदर्स। मीन्स की यूजर है वो स्टूडेंट नेम एंड रोल नंबर देखना चाहता है तो कोई और स्टूडेंट का नेम एड्रेस और फोन नंबर देखना चाहता है, तो कोई और यूजर कोर्स नेम ड्यूरेशन कोर्स की और फीस देखना चाहता है, या कोई ये देखना चाहता है कि किस पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसका रोल नंबर ये है उसने फीस सबमिट की या नहीं की। तो अलग अलग व्यूज हो सकते हैं इंडिविजुअल यूजर के उस डेटाबेस को देखने के जो कि सब स्कीमा कहलाएंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टेंसेस। व्हाट आर द इंस्टेंसेस? देखो बच्चों, यहां देखेंगे जरा मैंने क्या लिखा है कि when the schema framework is filled in the data values or the content of the database at any point of time, then it is referred to as instance of database. It is also known as state of database or snapshot. The state of database changes over time as data are inserted or deleted. Means ki samajhne ki baat ye hai ki agar hum kisi particular time par database ka स्नैपशॉट देखें कि पर्टिकुलर डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं, उनमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, जब डेटाबेस में वैल्यूज इनपुट कर दी जाती हैं, सभी टेबल्स में वैल्यूज इनपुट कर दी जाती हैं, उस समय किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जब भी कभी हम डेटाबेस कहें तो वो इंस्टेंस कहलाता है। और डेटाबेस की जो वैल्यूज हैं वो इंस्टेंस टू इंस्टेंस बदलती रहती हैं, क्योंकि जैसे भी डेटा इंसर्ट किया जाए या डेटा को डिलीट किया जाए तो टेबल्स की जो वैल्यूज हैं वो चेंज होंगी। जब टेबल्स की वैल्यू चेंज होंगी तो उसका इंस्टेंस चेंज होगा। मींस की वी कैन से ए कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। मींस की अगर हम डेटाबेस के अंदर कितनी वैल्यूज स्टोर्ड है, किस तरह से स्टोर्ड है उसको देखें एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। समझने के लिए हम अपना प्रीवियस वाला एग्जांपल जहां मैंने आपको पूरी डेटाबेस बना के दिखाई थी, जिसमें हमने एक स्टूडेंट डिटेल टेबल बनाई, कोर्स डिटेल बनाई और फिर एक स्टूडेंट कोर्स की डिटेल की कम्बाइंड टेबल बनाई, तो हम इस समय जो भी पर्टिकुलर इस डेटाबेस को देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। कि एट पर्टिकुलर टाइम पर स्टूडेंट डिटेल फाइल में 5 रिकॉर्ड्स हैं, कोर्स डिटेल फाइल में भी 5 रिकॉर्ड्स हैं
और जो स्टूडेंट कोर्स डिटेल है उसमें भी 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो इस तरीके का इंस्टेंस है इस डेटाबेस का। इस समय अगर मान लीजिए मैं 2 से 3 रिकॉर्ड्स स्टूडेंट डिटेल टेबल में और डाल दूं तो इसका इंस्टेंस नेक्स्ट मोमेंट पर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए मैं कोर्स की डिटेल से 2 रिकॉर्ड डिलीट कर दूं तो नेक्स्ट इंस्टेंस इसका चेंज हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम वैल्यूज को फिल कर दें डेटाबेस में, उसकी जो स्कीमा है स्कीमा को वैल्यूज से फिल कर दें, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज से फिल कर दें, तो वो क्या बन जाती है बच्चों, इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस बन जाता है। और जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है जब भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं। डेटाबेस की कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, उसका डिजाइन, उसका ब्लूप्रिंट, स्कीमा हो गया, इंडिविजुअल यूजर के जो अलग अलग व्यूज हैं उस डेटाबेस को देखने के, मीन्स की कंप्लीट डेटा में से केवल एक पोर्शन ऑफ डेटा देखना जो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, दैट इज कॉल्ड सब स्कीमा। और जब हम उस स्कीमा को वैल्यूज से फिल कर देते हैं, मीन्स की जैसे मैंने स्टूडेंट डिटेल टेबल बनाई तो मैं स्टूडेंट डिटेल टेबल में सारे रिकॉर्ड स्टूडेंट के डाल दूं, स्टूडेंट को स्टूडेंट के रिकॉर्ड उसमें फीड कर दूं, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, क्योंकि जब भी हम नए रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे या जब भी हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे तो वो हमारी स्कीमा चेंज होती जाएगी। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग।